हैं कि आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज जो है अभी असेंबली इंतखाबात आने वाले उससे शुरू किया है जी, कहाँ पे देखती है आप पीडीपी को और अपनी जीत को कहाँ पे देखती है? देखिए, दिल्ली की लाख कोशिशों के बावजूद आपको पता है उनने हमारी पार्टी से कैसे लीडर्स को निकाला, एमएलएज को निकाला, मिनिस्टर्स को निकाला, राज्यसभा एमपीज को निकाला, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ वेरी स्ट्रांग पार्टी, क्योंकि जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे कारकुन हैं, आप खुद देख रहे हैं, वो शाना बशान हमारे साथ खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि बीजेपी ने जो है सवाल उठाए हैं एनसी और पीडीपी के मैनिफेस्टो, उस पे आपकी रिएक्शन जानना चाहिए। मुझे टैक्स अगर पे करना है तो फिर मैं जवाब दूंगी, वो तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं। और आपको पता है बीजेपी का राग चलता रहता है, झूठ कितना बोलते हैं वो, हर एक चीज के बारे में झूठ बोलते हैं, वेदर इट्स अबाउट द सिचुएशन इन जम्मू कश्मीर, इकोनॉमी के बारे में इतना झूठ बोलते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसी एक पार्टी है, ऐसी एक जमात है जिनकी बुनियाद ही झूठों पे बनी है, तो आई डोंट हैव टू कमेंट ऑन व्हाट दे से अबाउट आवर पार्टी। एनसी और कांग्रेस अलायंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं एन अलायंस इज गुड, मुझे लगता है कि यूनिटी इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 5 सालों से हम कौन से अजाब शिकस्त से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर एक तबका यहाँ सफर कर रहा है सिंस 2019, तो पार्टीज को भी अपने डिफरेंसेस सेट असाइड करके एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आना ही चाहिए। जमात इस्लामी के कुछ नेता जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जी, व्हाई नॉट, वी आर अ डेमोक्रेसी, वी आर नॉट एन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ पे किसी का मतलब, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, हम एक जमहूरियत है और जमहूरियत में हर एक किसी को हक है कि वो पीसफुली अपने व्यूज सामने रखे, एंड इफ दे वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इलेक्टोरली तो वाई नॉट। लोगों के पास आप क्या लेके जाती हैं? उम्मीद, लोगों के पास मैं उम्मीद लेके जाती हूँ। ऑल्दो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, 2019 के बाद हम में से हर एक बंदा इस कमरे में भी जो है वो ना उम्मीद है, लेकिन आई थिंक लीडर और सियासतदान का यही काम है कि वो अपने लोगों को एक उम्मीद दें कि हम आपका कल बेहतर करेंगे, क्योंकि अगर मैं भी ना उम्मीद होके मरी मरी होके जाऊंगी उनके बीच में, देन वाई शुड दे एसोसिएट विद मी, आई हैव टू गिव देम होप, आई हैव टू गिव सम मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी कि हम जानते हैं आप इनसिक्योर हैं, लेकिन वी विल टेक केयर ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, वो आपकी आइडेंटिटी के बारे में, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में, आपके कल्चर के बारे में, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट इट, वी आर हियर कि हम आपकी डिग्निटी, आपकी इज्जत के लिए लड़ें। कुछ लोग जो हैं पीडीपी से भाग रहे हैं और कुछ नए चेहरे आपके साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स ऐसा होता है कि अगर 2 लोग भागते हैं तो 10 लोग वापस आते हैं, तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है परमानेंटली, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, तो ये एक तंजीम होती है, ये चलता रहता है, इट्स लाइक अ कैरावैन। अगर इस सीट पर आप जीत दर्ज करती है तो युवा के लिए क्या सोचा? युवा के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी बेरोजगारी है, और आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में ड्रग्स इज बिकम द नेक्स्ट एपिडेमिक, यहाँ ड्रग्स, हम हेरोइन की बात करें, हार्ड ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, अल्कोहल भी, अब आप देख रहे हैं कितने ठेके खोले हैं वाइन शॉप्स के, सो यू नो आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर आर यंगस्टर्स इज कि जो यहाँ भी नौजवान है वो मुझे सब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वो सब कहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी है, तो ये चीज हमें हटानी है, क्योंकि बेरोजगारी से आपका जो बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, मेंटल आपकी वेलनेस होती है, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। सो फॉर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मेरा उनके लिए सबसे बड़ा यही प्रॉमिस है कि वी विल टेक केयर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मिनिस्टर जी का कहना है कि पीडीपी का मैनिफेस्टो जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि कॉन्ट्रोवर्सी हो, आपको टीआरपी मिले, वो मैं करने नहीं वाली, लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहे, सबका हक।